लेकिन महात्मा में महान आत्मा हो तभी विश्वास करना चाहिए। कितने महात्मा भी ऐसे हैं जो कपड़ा तो महात्मा का है, लफड़ा संसार का है, ऊपर से महात्मा भीतर से दुरात्मा, ऊपर से ऐसे कपड़ा पहने हैं साधु का और भीतर से है डाकू का। तो ऐसे साधु की भी पहचान करो, नकली से थोड़ा बचा करो। नकली माल सब जगह मिलता है और साधुओं में भी नकली साधु भी रहते हैं, उनसे भी बचो। अब तुम कहते हो कि नकली और असली पहचानूं कैसे? तुमको किसने बताया है पहचान? मिट्टी की पहचान तुम कर लेते हो कि ये खेत की मिट्टी अच्छी, इस खेत की मिट्टी अच्छी नहीं। तुम गाय भैंस गधी घोड़ी की पहचान कर लेते हो, बैल की पहचान कर लेते हो, ईंट की पहचान कर लेते हो कि अव्वल है कि दोमा है कि खड़ंजा है कि पीला ईंट है, कौन सी ईंट है। सारी तुम पहचान कर लेते हो, दुकानदार की पहचान कर लेते हो, तो तुम साधु की पहचान क्यों नहीं कर पाते हो? उसकी भी पहचान में थोड़ा विवेक कीजिए, दिमाग लड़ाइए, पहचान हो जाएगी। अगर साधु तुमसे 3 बार चाय मांग ले तो समझ लेना ये साधु नहीं है, ये स्वादु है। स्वादु ये स्वाद के लिए साधु बना है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। साधु तो न चाय में बनता, न दूध में बनता, न कॉफी बनता, न सरबत में बनता, न खिचड़ी में, न दाल में, न खीर में। साधु तो उसका नाम है जो सहज मिल गया, उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, और जो नहीं मिला तो संतोष कर लिया, उसे साधु कहते हैं। और जो साधु बिना चाय के रह नहीं सकता वो तो नालायक है, साधु का बस वहीं से पहचान सकते हो। एक साधु किसी गांव में गया तो एक लोटा पानी मांगा, पानी दिया, एक बच्चे ने पानी दिया, माँ ने कहा तुम पानी दे दो, तो साधु ने पैर धोए, तो आगे के पैर धुल गए, पीछे के बच गए एड़ी, उस पर पानी भी नहीं पड़ा। तो बच्चा आकर अपनी माँ से बोला कि ये असली साधु नहीं, ये नकली है, क्योंकि पीछे के पैर पे पानी नहीं पड़ा तो ये तो गंदा रहता, इसका मतलब इसके अंदर को डुप्लीकेट है। तो माँ ने कहा तूने कैसे जाना? बोले मैं पैर धोने से जान गया। तो उसका जब बाप है बेटे का तो बोला जैसे अपने यहाँ गुरु जी आते हैं वो सही है, ये सही नहीं है। एक बालक भी पहचान जाता है। कपड़ा को कभी साधु मत मानो, तिलक को साधु मत मानो, गले की माला को देखकर साधु मत मानो। साधु तो अपने कर्म आचरण स्वभाव से साधु होता है। साधु तो उसका नाम होता है जो संसार के भोगों को भोगता नहीं है, जो संसार की कोई चीज में आकर्षित नहीं होता है, जो दुनिया में कहीं भी आकर्षित होकर फंसता नहीं, लसता नहीं, जो दुनिया को किसी प्रकार से अपने आप में भी फंसाता नहीं है, जो माया का गुलाम होता नहीं है, जो गाली कभी बकता नहीं है, जो बीड़ी नशा सिगरेट कुछ करता नहीं है, जिसके पास में केवल पवित्रता ही पवित्रता है, उसका नाम साधु होता है। अभी कुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है, इसमें साधु बहुत आए हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 5% साधु है, 95% तो खतरनाक भस्मासुर आया है। आंखें लाल पीली है, हाथ में त्रिशूल है, भाला है, तुम कुछ बोल दो तुमको मेला भर में रपटा के मारेगा। विवेक नहीं है, गाली बकता है, नंगा घूम रहा है, कोई तो अपने लिंग में गाड़ी पकड़ के बांध के खींच रहा है, कोई ईंटे लटका रहा है, बेवकूफ आदमी फालतू काम कर रहा है। ये कोई साधुता है? ये लिंग को ईंटे लटकाने के लिए है, ये गाड़ी खींचने के लिए रस्सी बांध के, से कितनी मूढ़ता भरी हुई है। कोई अग्नि कुंड खोद कर, 4-5 कुंड खोद कर उसके बीच हम खड़ा है, कोई एक टांग से खड़ा, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा, कोई भभूत रमाए है, कोई आधा नंगा है, कोई पूरा नंगा है, कोई आंखें लाल पीले, कोई अपने राख लगाए हुए है। ये किस मॉडल की साधुता है? साधु का मतलब है उसका साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, पवित्र वाणी होनी चाहिए, और एक एक शब्द संसार के दुखी जीवों के लिए मलहम और इंजेक्शन का काम करना चाहिए, वो संत होता है। ये संत होकर के खाली जटा, सिर में जटा, कपड़े फटा, काम लटा, ये सब क्या साधुता है? अगर इस तरह से वहां प्रयाग कुंभ में बोल दोगे तो तुमको और हमको दोनों को निपटा देंगे वो लोग। पर यहीं बोलूंगा, वहां मैं भी नहीं बोलूंगा, वहां मैं भाषा बदल दूंगा, मैं कहूंगा अरे बहुत तपस्वी महात्मा आया है, मैं जानता हूं मूर्ख है पूरा।
लंबी लंबी चिलम गांजे की पी रहा और कहता है ना जो पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। अब इस कहानी को जो सुनेगा लड़का वो सोचेगा मैं भी पी लेता हूँ गांजा की कली क्योंकि लड़की से तो अच्छा ही रहूंगा। हाँ फिर भांग खाता है कहता है शिव जी की बूटी है जन्म जन्म की घूंटी है कभी नहीं ये छूटी है और मेरी बात ये झूठी है ये शिव जी की बूटी है। शिव जी की बूटी है तो तुम क्यों खाते हो वो तो शिव जी को खाना चाहिए तुमको खाने का कौन अधिकार है। जब शिव जी की बूटी है तो आप क्यों खा रहे हो। और कहते शिव जी कैलाश पर्वत पर डोल रहे थे पार्वती के संग और तुम तो उमरिया में ही डोल रहे हो अपनी उषा देवी के संग तो ये गांजा क्यों पी रहे हो भांग क्यों खा रहे हो। अपनी पत्नी को प्रेम से रखो। शिव जी महान थे उन्होंने कभी भांग वांग नहीं खाया है। ये तो भांग खाने वालों ने शिव जी के ऊपर भी कलंक लगाया भांग खाने का। शिव जी इतने ज्ञानी थे वो भांग खाएंगे और शिव जी के टांग बराबर नहीं हो भांग खाते हो और कहते हो हम शिव जी की बूटी खा रहे हैं। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे वहां तुम जाकर क्यों नहीं रहते हो तुम उमरियम क्यों भांग खाते हो वहां भांग खाओ जाकर कैलाश पर्वत पर। तो ये देवी देवताओं का सहारा लेकर के भी दारू मत पियो। भैरव बाबा हैं यहाँ उज्जैन में वो दारू पीते हैं और भैरव बाबा को लोग दारू पिलाने जाते हैं हद मार दी। हिंदुओं के देवी देवताओं का भी कितना बड़ा अपमान कर दिया। वो कैसा देवी देवता है जो दारू पिए और भैरव बाबा दारू कभी न पीते हैं न मंगाते हैं न उनको पसंद है बिना उनसे पूछे बिना जाने समझे दारू उड़ेल रहे हैं। आधा बोतल भैरव बाबा पर डालते हैं दो बोतल स्वयं पीते हैं और फिर भजन गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीता राम और शाम हुई तो 200 ग्राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम। कितने खिलाड़ी लोग हैं। बाबा जी तुम भी हंसा करो नहीं तुम्हें भांग खिला दूंगा।